नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की मीठी मठरी। बहुत ही टेस्टी बनता है, इसको पर्व त्योहार में भी खाया जाता है, आप ऐसे भी खा सकते हैं, हेल्दी भी होता है। तो ये हम गुड़ से बनाएंगे, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए एक पैन में हाफ बाउल गुड़ ले लेंगे, जेगरी पाउडर भी ले सकते हैं, हाफ बाउल पानी डालेंगे, इसको गर्म कर लेंगे, गुड़ को अच्छा पिघला लेंगे। अब इसे ठंडा करेंगे। 2 बाउल गेहूं का आटा ले लेंगे, 2 चम्मच सफेद तिल डालेंगे, 1/4 बाउल घी डालेंगे, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें गुड़ का जो पानी था, जो हमने घोल तैयार किया था, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटा गूंदेंगे। पूरा गुड़ का घोल डाल देंगे। अब जरूरत के हिसाब से जितना पानी लगेगा डालकर इसका एक आटा तैयार कर लेंगे। आटा ज्यादा सॉफ्ट होगा, ना ज्यादा हार्ड होगा, पूरी के आटे की तरह होगा। गूंदे हुए आटे का एक बड़ा लोई बनाएंगे, बड़े आकार में इसको बेल लेंगे, चारों तरफ बराबर बेलेंगे, इसकी मोटाई इतनी होगी। अब फोर्क की मदद से इसमें प्रिक कर लेंगे, ग्लास कटोरी या किसी कटर की मदद से इसको शेप दे देंगे, तो मठरी का शेप हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, जब तेल गरम हो जाएगा तो 3-4 मठरी के शेप को डालकर उलट पुलट कर अच्छा दोनों साइड से पका लेंगे। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अच्छा यह पक जाएगा, तब हम इसको निकाल लेंगे। रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही टेस्टी मीठी मठरी। इसको पर्व त्योहार में बनाया जाता है, तो इसको आप बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक्स।